सो मोक्षा की बात जैसे मैंने पहले भी कर रखी है कि कैसे देखते हैं मोक्ष अलाइनमेंट, कैसे देखते हैं लोग, देखेंगे 4th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस एंड मोक्ष हाउसेज होते हैं, ठीक है, होते हैं धर्मा, आर्ता, कामा, मोक्षा, लॉर्ड शिवा टॉक्ड अबाउट इट, लॉर्ड कृष्णा टॉक्ड अबाउट इट, बट 4, 8 और 12 बेसिकली है क्या, हो गए आपके कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, हो गए आपके वाटर साइंस। अब वाटर साइंस के पास ये पावर क्यों दी गई है, ठीक है, वाटर क्या करता है कि सब चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, एंड इट्स लाइक वॉशिंग अवे योर कर्माज, ठीक है, जो भी आपके पास्ट लाइफ कर्माज हैं, बैड कर्माज हैं, गुड कर्माज हैं, एंड इसका होता है कि क्या चीज़ आपको रोक रही है उस सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए कि आपको मोक्ष मिल जाएगा एंड आप डेथ और रीबर्थ की साइकिल से बाहर निकल जाओगे, यू विल बी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। अब वाटर साइंस क्या होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉशिंग अवे योर कर्माज, ठीक है, एंड मोक्ष का मतलब क्या है कि आपको सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करने में वो हेल्प करेंगे एंड उसके बाद आपको कोई पेन, ठीक है, आपको यू विल बी अबव ऑल द लोकास, दिस इज भूलोका, पितृलोका, सब लोका से आप ऊपर निकल जाएंगे, है ना, एंड पेन और सफरिंग्स जो है वो आपकी लाइफ से निकल जाएगी, है ना, एंड इफ़ यू विश यू कैन ट्रेवल बिटवीन टाइम एंड स्पेस, ठीक है, सम टेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ है एंड यस होता भी है, लेकिन सो फायर साइंस आर ऑलवेज द धर्मा, है ना, सो आर्था आर द अर्थ साइन और धर्मा जो होते हैं वो आपके हो गए फायर साइन, इट इज़ द वे टू अंडरस्टैंडिंग गॉड, फायर साइंस, है ना, क्योंकि लाइट फायर सिग्निफाइज गॉड, ठीक है, सो फर्स्ट हो गया धर्मा, फायर साइन अंडरस्टैंडिंग गॉड, सेकेंड हो गया आपका आर्था अर्थ साइन, और धर्मा आर्था कामा मोक्षा। तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अर्थ साइन क्या सिग्निफाई करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करना, क्रिएटिंग वेल्थ, तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो सेकंड चीज़ हो गई, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि ठीक है, एक जैसे कि एरिस असेंडेंट है उसके लिए तो सब कुछ सेम हाउसेस ही हो गए, मोक्ष हाउसेस वाटर साइन हो गए, ठीक है। अब अगर असेंडेंट आपका अलग है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो कि आपके जो वाटर ट्राइंगल है वो कहाँ पर बन रहा है, ठीक है, एंड ठीक है, मैंने कहा था कि 4th, 8th और 12th हाउस में सन, मून या केतु बैठा है, तो एक होता है कि यू विल बी वेरी स्पिरिचुअल एक टाइम पे आके, होता है ऐसा, लेकिन सर्टन चार्ट्स में अगर ऐसे अलाइनमेंट्स नहीं हैं, लास्ट लाइफ अलाइनमेंट्स नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे पुश नहीं कर सकते हैं। अब देखो, आप कह रहे हो ठीक है मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन उसके लिए आप काम क्या कर रहे हैं, डिज़ायर्स क्या हैं आपकी, मुझे तो ये वाली घड़ी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये रिलेशनशिप चाहिए, इतने पैसे चाहिए, एंड ये सब करने के लिए आप वर्क करते हो ना, यू वर्क फॉर इट, वैसे ही मोक्ष की तरफ अगर आपने डिसाइड किया है, ठीक है, आई वॉन्ट टू एंड दिस साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, सो आपको उसकी तरफ काम करना पड़ेगा, है ना, यू हैव टू गेट अप, मीट पीपल, मीट स्पिरिचुअल पीपल, मीट स्पिरिचुअल गुरु, जुपिटर, जुपिटर आपका एक गुरु है, देवताओं के गुरु हैं, ठीक है, एंड अटैचमेंट भी है, वो टोटल डिटैचमेंट नहीं है, टोटल डिटैचमेंट केतु है, क्योंकि जुपिटर क्या हो गया, बच्चे वगैरह भी हो जाते हैं ना, उनसे अटैचमेंट हो जाता है, एंड लेकिन गुरु इज़ वेरी मच नीडेड, है ना, कि ठीक है कि टू टीच यू द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन्स इन लाइफ, सो ठीक है कि मैं इसको इन डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, कि अंधेरा भी हो रहा है, ठीक है, एंड दैट्स गॉड, ठीक है, नेचर गॉड, सो इट्स नेचर वी हैव टू कनेक्ट विद, सो प्रोसेस यही है, धर्मा आर्ता कामा एंड मोक्षा, ठीक है ना, एंड देन आपको देखना कि आपके साइंस क्या हैं एंड मोक्षा ट्राइंगल कहाँ बनता है, असेंडेंट के हिसाब से जो पहला है वो आपका धर्मा क्या होता है, धर्मा आपको कैसे कैसे फॉलो करना है, यू हैव टू गेट अप, ऐसे कि मोह माया की लाइफ से आपको साइड में हट के एक स्पिरिचुअल गुरु के पास जाके एंड टू सीक नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है, वो चीज़ें आपको गेट अप, उठ के काम करना पड़ेगा, बैठ के बैठे नहीं मिलने का मोक्षा, ठीक है, एंड ठीक है, सर्टन वैदिक टेक्स्ट जो हैं ओल्ड वो कहते हैं कि हाँ सेजिटेरियस असेंडेंट है केतु 12th हाउस में है, तो कुछ जो मर्ज़ी करो दोबारा आप पैदा नहीं होने के, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं हर चीज़ को मैं इसलिए ही सिंप्लीफाई करता हूँ कि ठीक है कर्मा इज मेन, ठीक है, एंड दो लॉर्ड शिवा टॉक्ड अबाउट इट, लॉर्ड कृष्णा टॉक्ड अबाउट इट,
तो यही है धर्मा आर्ता कामा एंड देन मोक्षा। ठीक है, तो सी अभी यहाँ पे आए थे, हमारे पीछे लाइट जल गई है, इट्स लुकिंग प्रिटी कूल एंड यस। अभी मैं वैसे भी दिखा दूँ कैमरा घुमा के। सो बा पॉइंट ये है कि ठीक है कि इफ़ यू हैव अ डिज़ायर, ऐसा नहीं होता डिज़ायर है हमारी और हमें मोक्ष ये मिल जाए बस। यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू अंडरस्टैंड गॉड, यू हैव टू रीड द बेसिक ओल्ड टेक्स्ट। गॉड को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब तो वही है कि हाँ बंदगोरी आए थे बंदगोरी चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एंड हर एसेंडेंट का ये है कि ठीक है एरीज वालों के लिए आसान है सिंपल वैसा ही है। एंड एसेंडेंट चेंज होगा तो ठीक है हर क्वालिटी जो है अलग अलग हो जाएंगी, है ना। धर्मा आर्ता देन कामा देन मोक्षा, अलग अलग क्वालिटीज़ को पिकअप करेंगे एंड सबका धर्मा अलग अलग हो जाएगा क्वालिटीज़ के हिसाब से। बट इन डिटेल मैं इसके ऊपर बाद में बात करूँगा। ठीक है, सो सी इन माई ओन विल्डरनेस लाइट कितनी अच्छी जल रही है। अभी आए थे ना यहाँ पे, चलो बाय, टेक केयर।